हेलो एवरीवन मेरा नाम कनव है और मैं फरदा से बिलोंग करता हूँ और मेरी एलेट ट्वेंटी ट्वेंटी एग्ज़ामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक टू आई है एंड आज मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ uh, तो मेरी जो प्रिपरेशन है वो असल में सिक्स ग्रेड में ही uh, मैंने सोच लिया था कि मेरे को लॉ करना है और नाइन्थ ग्रेड में मैंने सोचा कि मुझे अब ये सीरियसली करना चाहिए और तब मैं मिला था अपने मेंटर से uh, मुदित सर Uh, मैंने अपनी पूरी कोचिंग स्टडी uh, एंकर्स एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ही करी है 9 टू ट्वेल्थ तो अबाउट एलेट एज अ लॉ एंट्रेंस टेस्ट एलेट की फिलफॉर्म होती है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डेली कंडक्ट करवाता है uh, ये एन एल को माना जाता है कि वो पूरे देश में सबसे अच्छी लॉ कॉलेज है और इसमें जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं या फिर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और रोज़ कोई ना कोई बहुत ही बड़ी नामी पर्सनालिटी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कहीं और के चीफ जस्टिस वो लोग आते रहते हैं और यहाँ से पूरे देश के सबसे अच्छे लॉयर्स इसी इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं तो वाउट एलेटाइज एन एग्जामिनेशन इसके अंदर 150 हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं जो हमें वन हंड्रेड मिनट्स में कम्प्लीट करना होता है इसमें तीन सेक्शन होते हैं सबसे पहले इंग्लिश फिर लॉजिकल रीजनिंग और फिर इसका करंट अफेयर सेक्शन तो अगर किसी दो बच्चों के स्कोर सेम रहते हैं तो आ, उनके लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन का वो होता है उससे डिटरमाइन करा जाता है टाई ब्रेकर और आ, इसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं वो अच्छे लेवल के ही आते हैं तो नाउ अबाउट माय प्रिपरेशन सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं एक्चुअली सेवेंथ ग्रेड से ही दो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता ही था दैट इज़ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज़पेपर की इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स को बेटर नहीं कर रहे हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा आप करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं और कभी कभार पेपर ही न्यूज़पेपर से बनता है तो इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अच्छा न्यूज़पेपर एटलीस्ट एक हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या हो सके तो दोनों रोज़ पढ़ें और पूरे कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन फेज में पढ़ते ही रहें और इसको मिस आउट ना करें और अब मैं अपनी अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस के बारे में बताऊँ तो इंग्लिश सेक्शन को मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करा दूसरी चीज़ मैंने वोकेबलरीरी के लिए वर्ड पावर मेट ईजी करके जो बुक है वो पढ़ी थी और इन दोनों इन चीज़ों के अलावा मॉर्क्स मैंने बहुत सारे दिए थे मैंने अपने प्रिपरेशन फ़ेज़ में 270 हंड्रेड सेवेंटी क्लैट मॉर्क्स और थर्टी एलेट मार्क्स दिए थे आ, ये मैंने इसलिए करा था ताकि मैं किसी भी तरह के पेपर के लिए तैयार रहूँ और इससे हमारी रोज़ हर रेगुलर प्रैक्टिस होती रहती थी इंग्लिश की जो हमें चाहिए कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में और एक और चीज़ की आ, हमारा जो कमांड ओवर ग्रामर है वो भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए तो ग्रामर के लिए मैंने आ, एक बुक आती है ग्रामर की आ, जैसे कहते हैं रेन एन मार्टिन वो मैंने करी थी अब इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग पे अगर हम आएँ तो लॉजिकल रीजनिंग में आ, इसमें हमारी क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों आती हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सबसे पहले मैंने एम के पांडे करके बुक है वो ख़त्म करी थी उसके अलावा जो मेरा स्टडी एंकर्स का मटीरियल था मैंने वो करा था एंड मुदित सर की गाइडेंस और एनालिटिकल रीज़निंग के लिए मैंने इसमें आर एस अग्रवाल करके जो बुक है उसके कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वहाँ से कवर करे थे और यूट्यूब पे अगर मेरे को कुछ भी रेलिवेंट मिल जाए तो मैं वो करता था और उसके अलावा स्टडी आंकर्स का जो मटेरियल था और लीगल भी आता है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर ही इसमें तो उसके लिए मुदित सर हमारे टीचर थे तो उन्हीं से मतलब गाइडेंस लिया था और हमने बस ये समझा था कि पैसेज uh, को सही वे से पढ़ना आना चाहिए उसके अलावा एक ए पी भारद्वाज करके बुक है मैंने वो भी करी थी लीगल रीजनिंग uh, के लिए uh, अब फाइनली आते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन पर तो ये मेरा स्ट्रॉगेस्ट सेक्शन रहा है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन इसमें मैंने क्या करा था कि uh, मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही था और उसके साथ साथ डेली नोट्स भी बनाता था उसके अलावा मैं एक कंपेंडियम करंट अफेयर्स के आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो क्लैट एलेट स्पेसिफिक हो वो मैंने uh, पढ़ा करता था uh, और इसमें भी मतलब जो मेरे कोचिंग का मटेरियल था वो मैंने यूज़ करा बट uh, इसके अलावा यही है कि इसमें रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहिए कि जैसे uh, चंद्रयान अगर न्यूज़ में था तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि चंद्रयान में कितने uh, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि कब लैंड हुआ कहाँ लैंड हुआ चंद्रयान वन टू इससे पहले की चीज़ें इसरो के बारे में इसरो से रिलेटेड तो कितना भी डीप जा सकता है तो हमें uh, जो मेजर टॉपिक्स हैं सारे बहुत डीपली कवर करने चाहिए और इसके लिए आप यू की जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे दृष्टि आए विजन uh, आयस इन सब का भी uh, उपयोग कर सकते हैं देट दैट वुड डेफिनेटली हेल्प और अब मैं आ, अगर आपको जनरल प्रिपरेशन uh, ट्रिक्स के बारे में बताऊँ सबसे पहले तो ये है कि uh, हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है uh, क्योंकि नॉट ओनली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बट आपके पूरी प्रिपरेशन फ़ेज में क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं मैंने अपनी ट्वेल्थ के साथ ही ये पेपर दिया है तो अपने बोर्ड के साथ मैनेज करना अपने स्कूल की स्टडीज साथ इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट था और uh, उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहा है दूसरी चीज़ है कि हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए क्योंकि हार्डवर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो मॉक्स uh, देने चाहिए और मतलब हमें भी कभी हार्डवर्क से uh, दूर नहीं होना चाहिए चाहे अगर हम अपने एग्जाम्स में अच्छा भी कर रहे हो मॉक टेस्ट में अच्छा भी कर रहे हो तभी आपको अपना हार्डवर्क कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि कम्पलेसेंट uh, नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि अब तो मैं इस लेवल पर पहुँच चुँगी बहुत बच्चों के साथ होता है मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में देखा कि जब आप मॉक्स पे एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको लगता है अब तो हो ही जाएगा तो अब क्या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पर एक्चुअली नहीं यही टाइम है जब आपको और मेहनत करनी चाहिए क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई और दूसरा बच्चा ज़रूर है जो मेहनत करेगा उस वक्त तीसरी चीज़ यह है कि अपने मेंटर्स और अपने टीचर्स की आप ज़रूर सुनिए क्योंकि उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है और जो गलतियाँ आप कर सकते हैं या करेंगे वो उन्होंने दूसरे बच्चों को करते हुए देखा है तो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्लायर टेलेंट अगर आप देखें आपके पास दो साल अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपके पास दो साल हैं जैसे आपको स्कूल के साथ मैनेज करना है तो ज़्यादा गलतियाँ करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते आ, इसके अलावा जो एक चौथी चीज़ मैं कहूँगा सोशल मीडिया के बारे में आ, मैं सोशल मीडिया पर एक हद तक एक्टिव था Uh, मैं इसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता था कि जब भी अगर पढ़ाई करके थक गए तो फिर इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया कुछ बट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वे में मैंने अपनी इंट्रैक्शन भी पूरे प्रिपरेशन फ़ेज़ में ज़्यादा नहीं रखी थी पर ऐसा भी नहीं है कि मैं सोशल नहीं था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेरे तीन दोस्त हैं उनके साथ हम बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन फेज में घूमने भी गया क्योंकि वो तीनों भी क्लाट की प्रिपरेशन इन uh, क्लाट एंड रिलेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें पता था कि हम कैसे टाइम मैनेज करें ये सब उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है वीडियो कॉल सब कुछ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें तो ये सब भी जरूरी है क्योंकि आपको आपके मेंटल एस्पेक्ट को सही रखता है जो ये पैपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि क्लाट एलेट आ, आपका मेंटल एप्टीट्यूड का भी एग्जाम है ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो पूरी प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छे स्कोर्स आ रहे होते हैं पर लास्ट दिन पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते इसका एक ही मेजर रीज़न रहता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं उस दिन अगर मैं अपनी बात भी करूँ मेरा तीन दिसंबर को क्लार्क का पेपर था तो क्लार्क का पेपर मैं अच्छी तरह से नहीं दे पाया जबकि मेरी प्रिपरेशन उसमें भी अच्छी थी और मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रेशर में आ गया उस दिन और मेरी रैंक को आई वन जो बहुत ही पीछे थी जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पर वही सात दिन में मैंने समझा कि कैसे प्रेशर को झेलना है और आ, क्योंकि पहली बार मैंने आ, एक रियल लाइफ एग्ज़ाम से दिया था क्लार्क में तो शायद उस दिन मैं अच्छा तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया पर फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद एलेट था और दोबारा सेम सर्कुल थे और इस बार ज़्यादा उल्टा मैं कहूँगा प्रेशर था कि अब तो यही है जो करना है कि उससे कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा पर फिर भी मैंने अपने आप को काम रखा अपने आप को ये समझाया कि बस एक पेपर है इस पर ध्यान देना है और जो मेरे क्वेश्चन सामने आएगा मेरे को सही करना है और ये ज़्यादा नहीं सोच रहा कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा पेपर अभी ऐसा आ गया है दूसरे बच्चे ऐसा कर लेंगे ये सब बिना सोचे मैंने उस एलेट का पेपर दिया था और मैं इनफैक्ट ये पेपर बीस मिनट पहले ख़त्म कर पाया था तो इसलिए अपना पूरा जब आप पेपर भी दे रहे हो पूरा ध्यान सिर्फ पेपर पे रखिए इन चीज़ों पे नहीं है कि दूसरे बच्चे कैसे करेंगे आप एनालाइज ये सब साथ में एनालाइज करना शुरू नहीं करना चाहिए कि पेपर आज ईजी आ गया ये वाला ये पेपर तो बहुत ईजी है हर कोई कर लेगा मेरी चली गई या ये सब जो भी पेपर आए आपको अपना बेस्ट देना है और इसी पर फोकस करना है एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज था वो था दिसंबर तीन से लेकर दिसंबर दस का फेज़ दिसंबर तीन को क्लैट का पेपर था और दिसंबर दस को एलेट का पेपर था तो इस बीच में जब मैं कोई पता चल गया था दिसंबर थर्ड को ही, कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है तो उसके बाद आ, मैं टूट सा गया था क्योंकि मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था कि इतनी मेहनत करी आ, कैसे ही मतलब अब अच्छा कर पाएंगे क्या ये लाइफ में करेंगे सारी फीलिंग फेजेज ये सारी फीलिंग्स आ रही थी बट इसमें मेरे को ये लगता है कि दैट्स वाई हैविंग अ मेटोर इज़ इम्पोर्टेंट जो मेरे मेटोर थे मुदित सर मुदित चौधरी सर उन्होंने पूरे टाइम मेरे से तब बात करी थी हम लोग रोज़ एक दो घंटा बात करते थे समझने की कोशिश कर रहे थे कि पेपर में एग्जैक्टली exactly मैंने गलत क्या करा क्लैट के दिन ऐसा कैसे हो गया कि मैं जो बहुत बड़े बड़े लंबे मार्क्स होते हैं उनको मैं टाइम में खत्म कर पाता था टाइम के पहले इनफैक्ट दस मिनट पहले उस दिन मेरे से पेपर कम्प्लीट नहीं हुआ तो आ, इस बारे में हमने बहुत ज़्यादा सोचा मैंने अपने माइंड में वो दिन रिपीट करना शुरू करा कि क्या हुआ था फिर मैंने फिगर आउट करा कि जब पेपर शुरू हुआ सबसे पहले तो मैं फीवरेज था थोड़ा तो ये मेरा थोड़ा नेगेटिव गया और दूसरा जब मैंने पेपर शुरू करा और मैंने पेपर देखा कि बहुत ही इजी आ गया क्लैट का पेपर और खासकर करंट अफेयर सेक्शन कुछ ज़्यादा ही ईजी और आंसर आ, मतलब फिर मुझे लगा कि यहाँ पे तो मेरी एज थी कि यही एक सेक्शन था जो सारे मॉक्स में मेरे को सारे अलग बच्चों से अलग कर रहा था कि मैं इस सेक्शन में बहुत ही अच्छा था तो तब मेरे को बहुत बुरा लगा और मैं अपना पूरे पेपर में डीमोटिवेट हो गया और एक मोटिवेशन और एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस के साथ पेपर नहीं दे रहा था जबकि बस मैं पेपर आ, मतलब मेरे को यही बुरा लगे जा रहा था कि क्या हो गया पेपर हो गया और मैं ये एनालाइज करने लग गया साथ साथ कि दूसरे बच्चे तो मेरे से अच्छा कर जाएंगे जिनकी मैथ्स अच्छी होगी या फिर जो भी तो मेरे को यही मेरे माइंड में आते रहा बार बार और इस चक्कर में पूरा अपना हंड्रेड परसेंट फोकस उधर था ही नहीं मेरा आधा फोकस इधर था कि अब होगा क्या मतलब जो चीज़ें शायद मेरे को पेपर देने के बाद सोचनी चाहिए थी मैं उस टाइम सोच रहा था तो जब मैंने ये सब फिगर आउट कर लिया कि ये क्लाट में गलती हुई थी और जब आपको पता चल जाता ना कि आपने गलती करी है तो आप कम प्रोन हो जाते हो मिस्टेक करने से अगले पेपर में और फिर मैंने अपने आप को दोबारा मोटिवेट करा कि कोई नहीं अपना लेवल अच्छा है मेहनत करिए मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती और फिर मैंने एलेट का पेपर पूरा अपनी मोटिवेशन के साथ और पूरी खुशी के साथ दिया था और पूरे एक एक्साइटमेंट के साथ जब भी मैं एक पेपर मॉक देता था मैं उसे एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट के साथ देता था कि ये अब करना चाहिए मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक्साइटमेंट कि अच्छा इसमें क्या ट्रैप है इस इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं तो वो उसी मोटिवेशन के साथ पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैंने बस वो पेपर दिया और ये सोचा कि उस पेपर को मैं कैसे सही कर सकता हूँ और रिज़ल्ट यही रहा कि मेरी रैंक वन जीरो थ्री टू जो एक हफ्ते पहले आई थी वो टू पे चली गई और अब मैं अगर आपको बताऊँ एलेट स्पेसिफिक पेपर स्ट्रैटेजी एक इस साल भी दोबारा पैटर्न बदला था 2023 में जो पेपर आया था वो एक अलग पैटर्न था और 2024 का जो पेपर था वो बिल्कुल अलग पैटर्न था आ, पर मैं अलग अलग पैटर्न से तैयार था तो अगर मैं बात करूँ इस पैटर्न के बारे में जो इस बार एलेट का पेपर आया था मैंने ये करा था कि मेरे को पता था कि पेपर कितना भी लंबा हो सकता है स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता कि कितना लंबा ये पेपर हो सकता है Uh, कितनी ज़्यादा रीडिंग क्योंकि हो सकता है छोटा भी हो लंबा भी हो सकता है तो आपको हमेशा ऐसे तैयार होना चाहिए कि बहुत ही लंबा पेपर है तो इसे जब मैंने शुरू करा मैंने लॉजिकल से शुरू करा क्योंकि उसमें आप पाँच मिनट में दस क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो उसी फेज में मैंने लॉजिकल सेक्शन लॉजिकल रीज़न का जो सेक्शन है उसको तीन uh, साइकिल्स में करा सबसे पहले साइकिल में मैंने वो क्वेश्चन करे जो मेरे ईजी थे और जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन थे जैसे लॉजिजम्स सेकेंड साइकिल में ले क्वेश्चन करे जो थोड़े लेंदी थे पर मैं कर सकता था और तीसरे साइकिल में मैंने वोले क्वेश्चन करे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मेरे को लग रहे थे या सबसे ज़्यादा जो बड़े थे लेंथ में जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा वो मैंने तीसरे साइकिल में करे उसके बाद मैं गया था करंट फेस के सेक्शन पे जो मैंने जहाँ मैंने कुल आ, मुश्किल तो दस मिनट दिए थे और मेरे को एक फीलिंग आ गई थी कि मैंने करंट फेस सेक्शन अच्छा गया क्योंकि और आपको भी पता भी चलते रहता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पढ़ी है और शायद दूसरों ने ना पढ़ी हो और आपको उसमें फिर अच्छा भी लगता है कि चलो ये पढ़ना सक्सेसफुल रहा और अच्छा एक फीलिंग आता है तो वहाँ से मैं और मोटिवेट हुआ और फिर मैं गया इंग्लिश सेक्शन में जो मेरी स्ट्रेंथ थी थी हमेशा और इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक गया था ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करा और फिफ्टियथ पे एंड करा मैंने वो देखा कि कौन से पैसेजेस छोटे हैं और जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हैं सबसे पहले वो कर लिया उसको मैंने साइक्ल में करा था कि जो सबसे छोटे और सब ज़्यादा क्वेश्चन वाले पैसेजेस हैं वो पहले करूँ और जो लंबे क्वेश्चन हैं जिसमें जहाँ लेंथ ज़्यादा है और क्वेश्चन कम है उनको बाद में ऐसे करते करते जब आखिरी के आधा घंटा बचा था तब मैंने रियलाइज़ करा कि अब सिर्फ मेरे सेवन क्वेश्चन बचे हैं और तब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और मैंने अपने आप को संभाला फिर मैंने दोबारा सात क्वेश्चन में और कॉन्सनट्रेट करा और ऐसे करके मैंने बीस मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर लिया था और अब आखिरी में द पीपल हुम आई वुड लाइक टू थैंक सबसे पहले तो मेरी फैमिली क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं स्पेशली मेरे मामू चिराग सलूजा और मेरे मैंटर्स मुदित चौधरी एंड सार्थक चौधरी सर इनको मैं थैंक करना चाहता हूँ और इसके अलावा जो अतिरिक्त लोग हैं जिन्होंने इस पूरी प्रिपरेशन फ़ेज़ में मेरी हेल्प करी है जैसे मेरे स्कूल के टीचर्स या मेरे जो हाउस हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं इन सबको मैं अपने तय दिल से शुक्रिया गुजार हूँ उन सबका और यस थैंक यू